प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कोशिका के विभिन्न अंगों के कार्य, यानी जो हमारी कोशिका होती है कोशिकाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उन विभिन्न अंगों के क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो कोशिका भित्ति का काम क्या है, यह पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और जो पौधे हैं उन पौधों के शरीर को भी एक निश्चित आकार प्रदान करती है, यानी जो पादप कोशिका है उसका आवरण तैयार करती है, उसे एक ढांचा तैयार करती है और एक ढांचा के रूप में उसको बनाती है। दूसरा है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य की बाह्य आकृति बनाती है, जो जीव द्रव्य होता है उसकी बाह्य आकृति बनाती है और यांत्रिक अवलंबन प्रदान करती है और उसको अवलंबन भी जो यांत्रिक अवलंबन है वह भी प्रदान करती है। पहला भाग ये है। इसका दूसरा भाग है पदार्थों के प्रवेश और निष्कासन पर भी नियंत्रण रखती है, यानी जो तरल पदार्थ होते हैं उन तरल पदार्थों की जो आगमन आवागमन है उसके प्रवेश है निष्कासन है उस पर नियंत्रण करती है। और इसके लिए हम दो विधियों से हमने पहले पढ़ा था कि एक विसरण विधि होती है और एक होती है पराशरण विधि, उन दोनों पराशरण विधियों का ये काम करती है। अगला बिंदु है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या काम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो भाग हैं। यह कोशिका के कोशिका द्रव्य को अवलंबन प्रदान करता है, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है उसको अवलंबन प्रदान करता है। दूसरा है इसकी कोशिकाओं द्वारा बाह्य पर्यावरण और कोशिका के बीच पदार्थों का आवागमन होता है, यानी जो बाहरी पर्यावरण है और जो कोशिका है उसके पदार्थों के बीच आवागमन की प्रक्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही होती है। अगला जो पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यह हमारे शरीर के लिए जो हम भोजन करते हैं उसका ऑक्सीकरण करती है और उस ऑक्सीकरण के द्वारा अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं या हमारी सेल कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम है कि वो जो प्रोटीन होती है उसका संश्लेषण करता है और प्रोटीन के बारे में आप जानते हो, प्रोटीन हमारी जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनकी जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में काम आती है। गोल्जी को या गोल्जी बॉडी प्रोटीन व एंजाइम की संरचना करता है, जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करता है प्रोटीन और जो एंजाइम होता है उसका संग्रहण करता है। अगला इसी का पार्ट है कोशिकाओं के अंदर स्राव भी उत्पन्न करता है, यही गोल्जी का जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर स्राव भी प्रदान करता है। लाइसोसोम्स है प्राणी कोशिकाओं में बैक्टीरिया और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको भक्षण करता है, यानी उनको नष्ट कर देता है। तो प्रिय विद्यार्थी जो अगला भाग है आठवां वो है सेंट्रोसोम, यानी जो सेंट्रोसोम है उसका क्या काम है। सेंट्रोसोम है प्राणी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्कु निर्माण में इनकी सहायता प्रदान करता है, जब कोशिका विभाजन होती है तो उस समय जो तर्कु निर्माण है उसमें इनकी सहायता करता है। लवक है, लवक बहुत ही कोशिका के लिए या पौधों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही एक ऐसा पार्ट है जो इनको स्वपोषी बनाता है, अन्यथा जिनमें यह जो प्लास्टिक नहीं होता है हरित लवक नहीं होता है वह क्या होते हैं, ऐसे जब जो जीवधारी है वो स्वपोषी नहीं होते हैं परपोषी होते हैं, यानी दूसरों के जीवन पर अपना जीवन निर्भर रखते हैं। तो सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा पौधों को कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है और उनको जीवन प्रदान करता है। जो वर्णी लवक हैं उनके द्वारा पुष्पों और फलों को रंग प्रदान किया जाता है, हम जानते हैं कि पुष्पों पर जो रंग होता है उन पुष्पों के रंग के आकर्षण के कारण उस पर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे या अन्य जीव आकर बैठते हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, तो इसके द्वारा जो पौधे हैं उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया सुगम हो जाती है, यानी जो परागण क्रिया है एक पुष्प से जो पराग कोष है वो दूसरे कोष पर पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन अच्छे प्रकार से हो पाता है। अगला है तीसरा बिंदु अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट द्वारा पौधों के भूमिगत भाग हैं उनको वहाँ पर भोजन का संग्रहण करते हैं, यानी जो अंदर की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर अवर्णी लवक जो होता है या ल्यूकोप्लास्ट होता है उसके द्वारा ही जड़ों में भोजन का संग्रहण होता है। केंद्रक है कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है, जो केंद्रक है वह कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का नियमन करता है। इसके बारे में केंद्रक क्या होता है और उसकी अलग प्रकार की क्रियाविधि उसके बारे में हम
पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही, धन्यवाद।